देखिए, अगर कोई व्हाट्सएप यूजर है तो उसके लिए एक प्रॉब्लम अभी बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ रही है, और वो प्रॉब्लम है कि वो अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। सही पकड़े हैं। लेकिन उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, कौन कौन सी चीजें आपको अपनानी चाहिए जिस तरह से आपकी अकाउंट लॉगिन हो सकती है, आन वही सारी 5 पॉइंट ऐसे मैं बताऊंगा जिसके तहत आप अपने अकाउंट को लॉगिन बैक कर सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। तो आइए जानते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के कौन कौन सी पॉइंट आपको करनी चाहिए जिससे आपके अकाउंट को वापस लॉगिन बैक हो सकती है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर हम बात कर लेते हैं, वो है कि आपकी सबसे पहले तो इंटरनेट कनेक्शन बेल होनी चाहिए। मतलब कि कभी कभी ऐसी होती है कि आप रूरल वगैरह में चले जाते हैं और वहां भी आपकी जो इंटरनेट स्पीड है काफी काफी स्लो हो जाती है, तो उस सिचुएशन में व्हाट्सएप थोड़ा सा वर्किंग स्लो हो जाती है। ऐसे मैसेज वगैरह तो चले जाते हैं कुछ टाइम लेने के बाद, लेकिन आप लॉग इन कर रहे होते तो आपको एक वेल इंटरनेट कनेक्शन रहना जरूरी है। अगर इंटरनेट कनेक्शन भी आप कर लिए तो सेकेंड उपाय ये अपनाइएगा कि अपने डिवाइस को आप रीस्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसी होती है कि मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशंस ओपन हुए रहते हैं, उन सारी एप्लीकेशंस को लोड नहीं ले पाती है, इसीलिए मोबाइल को जब आप रीस्टार्ट करते हैं तो सारी एप्लीकेशन रीस्टार्ट होती है और उस वक्त से आपकी व्हाट्सएप लॉगिन बैक हो सकती है। लेकिन अगर ये सेकंड स्टेप के बाद भी नहीं हुआ तो आपको थर्ड स्टेप जरूर अपनाना चाहिए, और वो थर्ड स्टेप क्या है, वो है कि आपको अपनी प्ले स्टोर से जानी है और वो से जाकर वहां से आपकी व्हाट्सएप को अपडेट कर लेनी है। क्योंकि व्हाट्सएप कोई भी एप्लीकेशन, मैं व्हाट्सएप का ही नहीं बात कर रहा हूँ, कोई भी एप्लीकेशन में अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो आपको कुछ दिक्कतें झेलनी पड़ती है, क्योंकि जो कंपनी होती है, वो जो ब्रांड होती है, वो जो व्हाट्सएप को जो रन कर रही होती है वो नेक्स्ट लेवल अपडेट पे कर रही होती है, और आप एक लेवल पीछे रहे होते हैं, तो आप जो फैसिलिटी जो अपडेटेड वर्जन में जो यूजर उठा रहे हैं वो फैसिलिटी आपको नहीं मिल पाती है। तो इस तरह से भी कुछ बग वगैरह आते रहते हैं, और इसमें आपको प्रॉब्लम भी, अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो आपको बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। तो अपनी व्हाट्सएप को अपडेट कीजिए और उसके बाद लॉग इन बैक आप आसानी से करते हैं। लेकिन अगर यहां तक भी आपकी व्हाट्सएप लॉग इन बैक नहीं हो तो अपनानी है आपको फोर्थ स्टेप, और वो फोर्थ स्टेप क्या है कि व्हाट्सएप का जो आपको देखते हैं कैच और डाटा होते हैं, इन सारी क्लियर करने से इसको ऐप में समझिए कि एक रिफ्रेशमेंट आ जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, व्हाट्सएप में जाकर के व्हाट्सएप पे आप जैसे लॉन्ग प्रेस करते हैं ऐप इन्फो पे जाते हैं और वहां जाकर के आपको क्लियर कैच एंड डाटा कर देनी है। यहां से आपकी लॉग इन बैक होने की चांसेस काफी काफी बढ़ जाती है। लेकिन अगर यहां भी आपकी लॉग इन नहीं हो पाई तो आप क्या करें, तो आपको क्या करनी है कि अपनी व्हाट्सएप को पहले अनइंस्टॉल कर देनी है और उसके बाद फिर से आपकी व्हाट्सएप को रीइंस्टॉल करनी है, और रीइंस्टॉल करने के बाद आपको लॉग इन करनी है। और ये 5 स्टेप करने के बाद भी अगर आपकी व्हाट्सएप लॉग इन नहीं हो रही है, क्या करूं मैं, मर जाऊं, पानी पी, मेरी कोई फीलिंग नहीं है, तो दोस्तों आपको क्या करनी है कि व्हाट्सएप का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जानी है, और व्हाट्सएप सपोर्ट में आपको अपनी ईमेल करनी है, आपके मोबाइल नंबर देनी है और अपनी इशू को वहां देनी है, और उसके बाद व्हाट्सएप सपोर्ट आपको जो देगी वही सारी आपकी दिक्कतें, जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी वो सारी वो आपको बता देगी, और किस शायद उस सपोर्ट के बाद आप अपने अकाउंट को लॉगिन बैक कर सकते हैं। खैर, मिलते हैं कुछ नई वीडियो लेकर, मैं नया आता हूँ नई कंटेंट में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।